ऊधमसिंह नगर उत्तराखंड में कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने चलाया अभियान। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर है। कई टीम गठित कर कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। त्यौहार के मद्देनजर कच्ची शराब माफिया पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। किनारे जंगलों में शराब माफिया जंगलों में शराब बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में तथा होटल्स में सप्लाई करते हैं। इससे युवा वर्ग नशे की लत से मौत के आगोश में समाता जा रहा है। आए दिन शराबी घर में महिलाओं का भी उत्पीड़न करते हैं। कई बार आबकारी विभाग कच्ची शराब के खिलाफ समय समय पर छापेमारी करते हैं। दीपावली के टाइम पर अवैध शराब की बिक्री बढ़ जाती है, कच्ची शराब बनाने और बेचने का काम भी बढ़ जाता है, बाकी बाहर भी तस्करी की भी शराब आती है। इसके लिए हमने जिले में कुल 4 टीमों का गठन किया है और सारे लोगों के पास अपने अपने संसाधन और स्टाफ है और सघन दबिश कार्य और रोड चेकिंग उनके द्वारा किया जा रहा है। और कच्ची शराब के खिलाफ तो पिछले 2 महीनों से हमारा प्रवर्तन कार्य निरंतर जारी है और ये दीपावली और उसके बाद भी लगातार चलता रहेगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।